आजकल हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हर तकरीबन हर दूसरा तीसरा शख्स जो है उसको अल्सर की बीमारी है, निज़ाम निज़ाम ठीक नहीं है, और वो यही कंप्लेन करता है कि जी मुझे जो है अल्सर हो गया है, या मुझे जो है मैदे का प्रॉब्लम है। इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, वो ये है कि आप जो है खाना जो है वो कम खाएं, भूख रख के खाएं। हम लोग ये रोज पढ़ते तो हैं लेकिन हम इस पे अमल नहीं करते। अगर किसी को कहा जाए कि आप मुर्गन गजाएं ना खाएं, मसाले मिर्च मसाले वाली चीजें ना खाएं, तो ऐसी खुराक ना खाएं जिसकी वजह से जो है आपको ये इस किस्म की प्रॉब्लम होती है, लेकिन नहीं, हम वही करते। इसके लिए इसबगोल, जिसको इसबगोल का छिलका भी कहते हैं, इसबगोल कहते हैं उसको, जो है अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। थोड़ा सा इसबगोल जो है वो सुबह शाम खाने में डालने, दूध के साथ देने, ये बहुत मुफीद है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कवर होता है और मैदे के लिए जो है सबसे अच्छी गिजा है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको अपनी लाइफ में आम मामूल बना लें। सुबह के टाइम नाश्ते के वक्त अगर ले सकते हैं, दूध में थोड़ा सा वो डाल लें, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं है। कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ज्यादा खाएं, छोटी छोटी मिकदार, टेबल स्पून, टी स्पून, खुद भी और बच्चों को भी दें। ये बहुत जबरदस्त चीज है, इंतहाई मुफीद है। हम लोग रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि जब तक हम इस पे अमल ना करें उसमें हमें फवायद नहीं होंगे। तो आप अपनी गिजा में जो है इसका इस्तेमाल करें।